वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। अभी क्या है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनके ओट बहुत जल्दी फटते हैं, उनके गाल बहुत जल्दी फटते हैं, और हम कितना भी क्रीम लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगी जिसके हेल्प से आप अपने बच्चों के फटे हुए गाल और ओट को जल्द ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मौसम बदले तो आप देखती होंगी सूखी हवाएं चलने लगती हैं, सर्दी लगने लगती हैं, तो वहीं पे आप अच्छी अमाउंट में विंटर क्रीम का यूज़ शुरू कर दें। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि सर्दी आएगी तब तो क्रीम लगाएंगे, अभी क्यों लगाएं, लेकिन जैसे ही सूखी हवाएं चलने लगे आप बच्चों को विंटर क्रीम लगाना शुरू कर दो। क्रीम आपके बच्चे को जो सूट करे आप यूज़ करो, जैसे मैं तो हिमालय यूज़ करती हूँ, बट आप देख लो आपके बच्चे को कौन सा क्रीम सूट करता है, वो क्रीम आप लगाना शुरू कर दो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सोचते हैं विंटर आएगा तब लगाएंगे, अभी तो आया नहीं है, बट अगर आप अभी से नहीं लगाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे की जो स्किन की मॉइस्चर है वो जाने लगेगी और स्किन उनका फटना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप अभी से विंटर क्रीम का यूज़ शुरू कर दो। दूसरी चीज़ बच्चे की मालिश ज़रूर करें, कम से कम 2 टाइम तो बिल्कुल करें। बच्चा 3 साल से छोटा है तो उनकी मालिश आप 2 टाइम तो बिल्कुल ही करें। इससे क्या होता है, बॉडी में जो ऑयल है वो बन जाती है। आप मालिश कब करें, तो मालिश आप सुबह में नहाने के पहले करना, फिर आप रात में 1 टाइम कर देना, तो इससे क्या होगा, बॉडी में मॉइस्चर लॉक रहता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि बच्चे की जब अच्छे से आप मालिश करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद आप बच्चे को नहलाते हैं, उसके बाद आप बच्चे को अच्छे अमाउंट में मॉइस्चराइज करें, अच्छे अमाउंट में क्रीम लगाएं। इससे क्या होगा, स्किन के ऊपर एक परत से बन जाती है, तो सर दवाएं हैं वो डायरेक्टली स्किन को नहीं छूती हैं, तो बच्चे की स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को मॉइस्चराइज करें। एक बार आपने सुबह में किया, उसके बाद आप दोपहर में बच्चे को एक बार अच्छे से उनको क्लीन करके पोंछ के एक बार फिर से आप मॉइस्चराइज करो, इवनिंग में करो, रात को ज़रूर करो। एक बार कर देना ही काफ़ी नहीं है, कम से कम आपको 3 से 4 बार बच्चे को क्रीम लगाना ही है, मॉइस्चराइज करना ही है, ताकि उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे और सर्द हवाओं की वजह से वो स्किन फटे नहीं। तीसरी चीज़, नहाने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। हल्का गुनगुना जो पानी होता है वो स्किन को हार्म नहीं करता है और जो नेचुरल ऑयल है उसको इंटैक्ट रखता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर का यूज़ करते हैं, कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से स्किन ड्राई होती है। तो ड्राई स्किन नहीं हो इसके लिए क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे की स्किन जो है वो सॉफ्ट बनी रहे। इसके बाद नहाने के बाद उनको अच्छे से आप ड्राई करो, अच्छे अमाउंट में स्किन को मॉइस्चराइज करो, फिर उसके बाद उनको कपड़े पहनाओ। चौथी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चे को बॉडी को ठंडी में कवर्ड रखें। कवर्ड रखने से क्या फ़ायदा होता है कि एयर जो है वो डायरेक्टली स्किन को नहीं टच करती है। कवर्ड एरिया में आप देखते होंगे कि बच्चे की जो स्किन है वो नहीं फटती है। कहाँ फटती है, फेस पे, फिर बच्चों की जो ये हैंड होती है यहाँ पे नीचे पैर के पास। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि स्किन कवर रहे। स्किन कवर रहने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चों की स्किन जो है वो हार्म नहीं होगी, स्किन नहीं फटेगी। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि सोने समय रात में बच्चों की नाभि में आप 2-3 बूंद सरसों तेल ज़रूर डालें। सरसों तेल डालने से फ़ायदा ये होता है कि जो नमी होती है स्किन की वो बनी रहती है, वो नहीं फटती है। मुझसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैं बच्चे को बेसन लगाएं, मलाई लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं बोलती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे, अगर मान लीजिए उन्होंने हाथ से आँख छू लिया, रब कर लिया, तो उनकी आँख में जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रोटेक्ट होकर लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएं। आप मलाई लगा सकते हैं बच्चे को, बेसन यूज़ कर सकते हैं, जो चाहे आप यूज़ करें, लेकिन ध्यान देना है कि आइज़ के आसपास नहीं, आइज़ बचा के, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो कभी भी रब कर सकते हैं अपनी आइज़ को, तो ये बचा के आप ये चीज़ें ज़रूर करें। 5वीं चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत ज़्यादा आप रूम हीटर का इस्तेमाल ना करें, ब्लोअर का इस्तेमाल ना करें, इससे भी स्किन फटती है। बच्चों के लिए ज़रूरी है लेकिन थोड़ी दूर से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे भी क्या होता है, स्किन बहुत जल्दी ड्राई होती है और बहुत जल्दी स्किन फटने लगती है। इसीलिए विंटर में बच्चों की स्किन अगर बचानी है तो विंटर शुरू होने से अभी के टाइम से ही आप बच्चों की स्किन मॉइस्चराइज करना शुरू कर दो, उनको बिल्कुल अच्छे से ऑयलिंग आप शुरू कर दो। अगर ये चीज़ें आप अभी से करेंगी तो बच्ची की स्किन बिल्कुल नहीं फटेगी। लेकिन अगर किसी वजह से स्किन फट गई है, बहुत ज़्यादा फट गई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छी दूध को रूई से लेंगे और बच्चे की स्किन पे लगाएंगे कुछ इस तरह से, और आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद ही बच्चे की स्किन वहाँ सॉफ्ट हो जाएगी, पुरानी स्किन जो है वो हट जाएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, तो रब नहीं करें, बच्ची की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, वहाँ पे छिल सकता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये नहीं करना है। बच्चे की स्किन अगर बहुत ज़्यादा फट जाएगी तो आप सिर्फ कच्चा दूध जो गाय का होता है वो लेंगे, रुई की मदद से वहाँ अच्छे अमाउंट में लगाएंगे, इसके बाद आप थोड़ी देर उसे छोड़ देंगे और पानी से, गुनगुने पानी से उसे पोंछ देंगे, उसके बाद मॉइस्चराइज कर लेंगे।
तो ऐसा करने से एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन 3 से 4 दिन जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और जो फटी हुई स्किन है वो हट जाएगी और न्यू जो प्यारी सी स्किन है वो वापस आ जाएगी। तो ये चीज़ें करें। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम बोरो प्लस यूज़ करें, ये करें, आप जो चाहे यूज़ करें, बच्चे की स्किन को जो सूट करें आप यूज़ करें, लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ उनके आइज़ के आसपास नहीं जाए और कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले बच्चों के आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगा के देखो अगर बच्चे को कोई एलर्जी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके बाद आप उनको स्किन पे यूज़ करो। तो ये एक तरीका है जिसके हेल्प से बच्चों की स्किन आप फटने से पहले ही रोक सकते हैं। अगर स्किन फट गई है तो भी आप उसका उपचार कर सकते हैं। नाभि में तेल ज़रूर रखें, बच्चे की स्किन अगर फट गई है तो कच्चे दूध से वहाँ पे मसाज ज़रूर करें। ऐसा करने से धीरे धीरे बच्चे की स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फटे हुए गाल और ओट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू। Thank you.